दाऊद नगर में समाजवादी नेता मिनी राम विलास सिंह की पुण्यतिथि में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह शिरकत करने पहुंची, जहां कांति सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के समय बिहार सरकार पर निशाना साधा और बिहार सरकार को जनमानस का दुश्मन बताया। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर देश बेचने का आरोप भी लगाया। वहीं कांति सिंह ने कहा कि इस कोरोना काल में जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात कही जा रही, वहीं बिहार सरकार लाशों के ढेर पर चुनाव कराने की बात कह रही है। जनता सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, आने वाले वक्त में चुन चुन कर हिसाब लेगी। सब लोगों ने जो झेला है, एक और हमारे यहाँ कोरोना के मार से लोग मर रहे हैं, किसान ऐसे ही मर रहा है, दूसरी ओर बाढ़ से पीड़ित हैं लोग। कौन आदमी है जो कि लाइन लगा करके वोट देगा? इनका वर्चुअल रैली होता है, जितने नेता लोग बैठे थे सारे लोगों को कोरोना हो गया पॉजिटिव, और हमारी गरीब तबके के लोग को कहते हो आप लाइन लगा करके वोट दो। क्या ऐसी अवस्था में लाशों के ढेर पर, कोरोना का जो वायरस चल रहा है उसके ढेर पर क्या चुनाव कराना आज उचित था क्या? तो खासतौर पर हमारा युवा पीढ़ी बेरोजगारी की समस्या मुंह बा करके खड़ी है, केंद्र की सरकार वही कर रही है, सारे इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर के जा रही है, एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, MTNL में भी लोगों को घुसाने का बात किया है, और इन लाइफ इंश्योरेंस में भी, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मोदी कहते हैं कि इतने साल के शासन में कांग्रेस की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, जब कुछ नहीं किया था तो तुम बेच कहाँ से रहा है, कहाँ से धरती पर आ गई थी?